हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज हम लोग सॉल्व करेंगे डी डी यू बी एस सी थर्ड सेमेस्टर का पेपर जो कि आज ही था देखिए आज यह बी एस सी थर्ड सेमेस्टर का पेपर है मैथ का हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे जो कि सी बी सी एस पैटर्न का है पेपर टू जिसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है द लोकल एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अटेंडेड एट द पॉइंट इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही है सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है इफ यफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एक्सपेंडेड इन फोर ईयर सीरीज इन माइनस पाई टू पाई देन यहाँ पे हमें बताना है बी एन की वैल्यू क्या होगी तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर बी सही है आप लोग अपना क्वेश्चन मिलाते रहिए और कमेंट में यह बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ तीसरा क्वेश्चन है शाइन एनेक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फोर है इट थीटा इज अ रियल वेरिएबल यहां पे क्वेश्चन में देखिए यहां पे इट नहीं रहेगा यहां पे इफ रहेगा इफ थीटा इज अ रियल वेरिएबल देन विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन ए है अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है लेट जेड इज इक्वल्स टू यफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स सच दैट डी एफ बाई डी एक्स एक्स नॉट एंड वाई नॉट पे वैल्यू है एंड डेल्टा या डेल्टा वाई एक्स नॉट वाई नॉट एक्जिस्ट देन द फंक्सन जेड इज टू एफ एक्स वाई इज़ डिफ्रेंसीएबल एट एक्स नॉट वाई नॉट इफ़ द इंक्रीमेंट डेल्टा जेड इज टू यफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट सेटिस्फाई एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन दिया हुआ है कंसीडर द फंक्स फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें से हमें यह स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है इसके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर सी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन जीरो देन द गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई हैज़ इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन ए सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग जरूर कमेंट में बताइए आपका स्कोर कितना रहा क्वेश्चन नंबर नाइन है यह दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर नाइन में सही स्टेटमेंट पूछ रहा है तो क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर डी है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर नाइन का सही है क्वेश्चन नंबर टेन में यह दिया हुआ है और वैल्यू पूछ रहा है डेल एब बाई डेल एम एट पॉइंट जीरो जीरो पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर टेन में ऑप्शन नंबर ए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन पूछ रहा है जनरल वैल्यू ऑफ लॉग माइनस आई ई की वैल्यू क्या होती है जनरल वैल्यू इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पूछ रहा है वैल्यू ऑफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू टू पावर माइनस पाई एस इज इसमें हमें इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बताना है ई टू टू पावर माइनस पाई एस का तो यहाँ पे हम जानते हैं इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है टू बाई पाई इंट्रीगेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी यफएस साइन एस एक्स डी एक्स इसी फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल रिप्रेजेंट द लास्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एफ टी फॉलोइंग फंक्शन एफ टी तो यह तो सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला ही था इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ए ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर थर्टीन का सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन यफ टी इज इक्वल्स टू साइन टू टी प्लस साइन टी इज हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कह रहा है दी रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आई वाई इज हम रियल पार्ट साइन एक्स प्लस आई वाई का निकालना है हमें तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में सिक्सटीन में फिर हमें निकालना है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और इसका हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है इफ ए प्लस आई बी इज इक्वल्स टू सी टेन एक्स प्लस आई वाई देन हमें बताना है टेन टू एक्स की वैल्यू क्या होगी और इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम ऑफ आई टू टू पावर आई इज हमें बताना है लॉग आई टू टू पावर आई की वैल्यू क्या होगी हमें इसकी वैल्यू बताना है तो इस क्वेश्चन में राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे आप लोग आसानी से कर सकते थे सारा एकदम फॉर्मूला बेस्ड है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है द वैल्यू ऑफ लॉफ लास्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस देखिए सारे क्वेश्चन एकदम फार्मूला बेस्ड हैं तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी अभी आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए नेक्स्ट टर्न पर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे और आप लोग कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप लोग का स्कोर कितना रहा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी वन हम ट्वेंटी वन में हमें यह दिया हुआ है और हमें बताना है कि यहाँ पे हमें ए नॉट और ए एन की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में हम आसानी से ए नॉट की वैल्यू निकाल करके ही ऑप्शन को पहचान सकते हैं हम यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं हमें पता है वन बाई पाई इंटीग्रल अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस टू पाई यफ एक्स डी एक्स होता है यहाँ से हम ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू दिया हुआ है और पूछता है फोर ईयर सीरीज का फंक्शन यह दिया है तो एन बी एन की वैल्यू क्या होगी अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है या तो सीधे सीधे फॉर्मूला ही उठा करके दे दिया है कि फोर ईयर सीरीज का फार्मूला यह होता है और इसमें ए एन और बी एन की वैल्यू हमें बताई गई होगी तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पूछ रहा है लॉप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस या तो सीधे सीधे हमारा स्केल प्रॉपर्टी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पर आधारित यह क्वेश्चन है, है। सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूला थे तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर दिया हुआ है वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस इज व्हाट? ये भी क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला पे ही बेस्ड है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन बाई एस माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल्स टू वाट ए भी क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला पे ही था हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला जानते हैं उस फार्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में हमें बतानी है यफ एक्स की वैल्यू क्या होगी जब यफ माइनस एक्स इज इक्वल टू यफ एक्स है फॉर ऑल एक्स देन यफ एक्स इज सेट टू बी यफ एक्स को हम कौन सा फंक्शन कहते हैं या तो हम जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं ऑर्ड फंक्शन कहते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है दर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इज दिस देन हमें बताना है ए नॉट की वैल्यू क्या होगी इसमें ए नॉट की वैल्यू है टू पाई सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे तो ट्वेंटी एट का ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में हमें इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है किस कोई पॉइंट पर ठीक है तो वो पॉइंट हमें बताना था तो उस पॉइंट जो है ए ए और माइनस ए एंड ए होगा ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का जो आप, सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यह जो है सीधे सीधे कंडीशन दिया हुआ था जो कि आपको पढ़ाया गया होगा थियरम के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन थर्टी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर थर्टी का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी वन दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ द लिमिट एक्स वाई टेंस टू वन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इज अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है पूरे पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन यह था थर्टी वन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी ठीक है थर्टी वन का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू दिया हुआ है दोर ईयर एक्सपेंसन ऑफ एन इवन फंक्शन दिस हैज हैजनली यह कौन सा टर्म रखता है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आप लोग पेपर में ध्यान मत दीजिएगा ये हमें एक लड़का ने फॉरवर्ड किया था ये पेपर वो उसका गलत हुआ है ठीक है तो आप लोग पेपर पे टिक मत देखिएगा जो हम लगा रहे हैं उसे आप देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में कह रहा है एक्सट्रीमल पॉइंट हमें बताना है किसी फंक्शनल का आप लोग पढ़े होंगे रेडियस एक कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में दिया हुआ है ये क्वेश्चन और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो इसका जो है राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसमें हल्का सा ध्यान लगाना है हमें सबसे पहले इसे क्या करना है डेल्टा या बाई डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है हमें इस पूरे को यफ़ मान लेना है तो हम सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा या बाई डेल्टा वाई की वैल्यू उसके बाद डेल्टा या बाई डेल्टा वाई डैस की वैल्यू निकाल करके हमें उसे इंटरीग्रेट करना है आई लर्स फॉर्मूला में रख करके ठीक है तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में भी हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करके दिए हुए फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही है तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का ऑप्शन नंबर ए सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव दिया हुआ है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू यफ यस देन दैल्यू ऑफ दिस मच इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी यफ एस बाई यस तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्ट फंक्शंस इज एन इवेंट फंक्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का राइट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी सेवन मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी एट उसमें पूछा जा रहा है अगर इंट्री इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी यफ कॉस एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दिस देन हमें बताना है यफ एक्स की वैल्यू यह क्वेश्चन आप लोग गेस कीजिए कहाँ का है यह क्वेश्चन है फोर यर सीरीज का यह क्वेश्चन कहाँ का है फोर यर ट्रांसफॉर्म का यह क्वेश्चन है आप लोग अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े होंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फोर ईयर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा करके आसानी से इसको निकाल सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का राइट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी नाइन पूछता है द पीरियड ऑफ ई टू टू पॉजिट इज पाई आई क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का राइट ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का क्वेश्चन नंबर फोर्टी इसमें पूछ रहा है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑफ की वैल्यू क्या होगा यह तो फॉर्मूला ही था आप लोग इसको बता सकते हैं इसका राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी तो इस तरह से इस पेपर के पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए और यह दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर के बी थर्ड सेमेस्टर मैथ सेकेंड पेपर था हमने इसे सॉल्व किया हम इसका जल्दी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे और आप लोग अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर गया और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं थैंक यू